अज़ां और इकामत की कि ख़वातीन की भी अज़ां और इकामत जायज़ है या नहीं। तो ख़वातीन अज़ां और इकामत नहीं दे सकती, उनके लिए अज़ां और इकामत का देना मकरूह है। बाज़ उलमा ने जब ये अज़ां और इकामत दे तो उसको दोहराने का भी हुक्म दिया है। बहरहाल मकरूह है क्योंकि अज़ा और इकामत ये दोनों के दोनों ज़ोर से कहे जाते हैं और दूसरों को बुलाने के लिए होते हैं, और औरत ख़ुद पर्दा है और औरत की आवाज़ भी पर्दा है, इसलिए औरत ज़ोर से अज़ा भी नहीं दे सकती और इकामत भी उसके लिए मना करार दी गई है, मकरूह करार दी गई है।